हाउ आर माय डियर स्टूडेंट प्लीज वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल एन आर एस डब्ल्यू में। दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो आपको पार्ट वन एल्फाबेट यूज भेजा था। दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो भेजना चाहते हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। दे आर बिकम एंड काइंड्स इन इंग्लिश प्लीज ओ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों ये सिलेबस कंसेप्ट 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th या उससे अगली क्लास के बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह कोई भी इसको पढ़ सकते हैं। सभी के लिए चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से चलती है। इससे पहले अल्फाबेट हमने आपको पढ़ा था, जिस भाई ने जिस फ्रेंड ने हमारी वीडियो अल्फाबेट की नहीं देखी वो इससे पहले हमारी वीडियो देख सकता है। दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार के होते हैं, नंबर वन नाउन, नंबर टू प्रोनाउन, नंबर थ्री एडजेक्टिव, नंबर फोर वर्ब, नंबर फाइव एडवर्ब, नंबर सिक्स प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों एक प्रकार के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन पूर्वसर्ग कहते हैं, कंजंक्शन संयोजक कहते हैं, और यू प्लीज संयोजक, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयबोधक कहते हैं। दोस्तों देखो आप अपना कीमती समय निकालकर हमें देते हैं तो हम तुम्हारे कीमती समय की वैल्यू रखकर हम इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा एक्सपीरियंस ले सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो से बने रहे। दोस्तों जो न्यू हमारे स्टूडेंट्स हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन मार्क को क्लिक करें एंड लाइक करें हमारी वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में नाउन पार्ट के बारे में आपको समझाने वाले हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन के बारे में समझाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में समझाएंगे, उसके बाद वर्ब के बारे में समझाएंगे, एडवर्ब प्रीपोजिशन इसी सीरीज के अनुसार हम पढ़ाएंगे। फिर आपकी इंग्लिश बेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे सीरीज के अनुसार बेस्ट होती जाएगी, बेस्ट होती जाएगी, बेस्ट होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कहना चाहते हैं इसीलिए हमारे दोस्तों से याद आ रहा है, किश्ती उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, किश्ती उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके हौसलों में उड़ान होती है, मंजिल उनके सामने सर झुकाते हैं। दोस्तों अपनी मेहनत को कभी मतलब व्यर्थ मत होने देना, अपनी मेहनत पर लगे रहें और पढ़ते रहें, मंजिल भी आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।